तो गाइस सर अभी हो चुकी है सुबह और हम सुबह सुबह देखने वाले न्यूज, देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट ने रखा है एक नया नया गेम। इस गेम में अगर तुम जीतते हो तो तुम जीत सकते हो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस तुम्हारा हो सकता है। बस तुम्हें प्रेसिडेंट की बीवी को एक गेम में हराना होगा। जिसको भी पार्टिसिपेट करना है जल्दी जल्दी आइए, टाइम बहुत कम बचा है। ब्रेकिंग न्यूज। अरे गाइस सर ये क्या चल रहा है, न्यूज उसमें भी आ रहा है कि प्रेसिडेंट सर एक नया गेम खिला रहे हैं। उस गेम में जो भी जीतेगा लॉस सैंटोस उसका हो जाएगा। और गाइस जो प्लेयर है वो उसकी बीवी है, वो कितनी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। और गाइस सर ये वाला गेम अगर मैं खेलूं और अगर जीत जाऊं तो मैं पूरा का पूरा लॉस सैंटोस जीत सकता हूं। ये तो बहुत ही खतरनाक है गाइस सर, मैं तो अभी के अभी जाने वाला हूं उस गेम को खेलने के लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है। क्योंकि जो मेरी कॉम्पिटिशन में प्लेयर है वो प्रेसिडेंट की बीवी है और वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी है, तो मुझे लगता है वो किसी भी गेम में मुझे हरा सकती है। इसलिए गाइस सर मैं फटाफट से जाने वाला हूं प्रेसिडेंट के पास। अगर मैं ये गेम जीत गया तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस मेरा हो जाएगा। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जल्दी से चलते हैं, मुझे वो गेम खेलना है। तो गाइस सर अभी हम उस प्रेसिडेंट के वहां पर पहुंच चुके जहां पर ये खतरनाक सा चैलेंज चल रहा है। और आप देख सकते हो यहां पे कितने सारे लोग हैं और ये सारी प्रेसिडेंट की गाड़ियां भी यहां पर खड़ी है। अगर मैं ये चैलेंज जीतता हूं तो ये सारी की सारी गाड़ियां मेरी होने वाली है और ये पूरा का पूरा लॉस सैंटोस भी मेरा होने वाला है। मैं आ गया चैलेंज करने। ओ बच्चे तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम इस चैलेंज को करना चाहोगे? हाँ मैं इस चैलेंज को करना चाहूंगा। अरे बेटा क्या तुमको लगता है तुम मेरे को हरा दोगे? अरे हाँ आंटी आप टेंशन मत लो, मैं आपको आराम से हरा दूंगा। चलो बच्चे मैं तुमको इस गेम के रूल्स बताता हूँ। हम तुमको एक चैलेंज देंगे, उस चैलेंज में तुम्हें मेरी बीवी को हराना पड़ेगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो पूरा लॉस सैंटोस तुम्हारा हो जाएगा। पर अगर तुम मेरी बीवी को नहीं हरा पाए तो हम तुम्हें लॉस सैंटोस से बाहर निकाल देंगे। क्या लॉस सैंटोस से बाहर निकाल देंगे? अरे ये तो टीवी में नहीं बोला था। बच्चे हर चीज टीवी में नहीं बता सकते, बताओ क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा? अरे गाइस अगर मैं ये चैलेंज जीतता हूँ तो लॉस सैंटोस पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा, पर अगर मैं ये चैलेंज हारता हूँ तो ये मुझे लॉस सैंटोस से बाहर निकाल देंगे। अगर मुझे लॉस सैंटोस से बाहर निकाल दिया तो मैं रहूंगा कहाँ पे? क्या करूँ? पर एक सेकेंड यार, मुझे नहीं लगता ये बूढ़ी आंटी मुझे हरा सकती है। प्रेसिडेंट सर मैं तैयार हूँ आपका चैलेंज लेने के लिए। तो बच्चे क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे? अगर तुम हारते हो तो हम तुम्हें लॉस सैंटोस से बाहर निकाल देंगे। हाँ मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ और मैं चैलेंज करने के लिए भी तैयार हूँ। बहुत अच्छे, चलो चलते हैं चैलेंज करने। जीते तो पूरा लॉस सैंटोस तुम्हारा, हारे तो हम तुम्हें लॉस सैंटोस से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। तुम दोनों के बीच में होने वाला ये चैलेंज पूरे लॉस सैंटोस के लिए। इस चैलेंज में तुम्हें अपनी बाइक को लेके जाना है और इस पूरे चैलेंज को कम्प्लीट करना है। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड है, पर अगर तुम इस चैलेंज को जीतते हो तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस तुम्हारा हो सकता है। और याद रखना अगर ये चैलेंज तुम हारे तो हम तुम्हें लॉस सैंटोस से बाहर फेंक देंगे। तो देखते हैं किसकी होती है ट्रॉफी। सबसे पहले लड़के तुम्हारी बारी। ओके अंकल, तो गाइस सबसे पहले बारी मेरी आ चुकी है और गाइस मुझे कैसे भी करके ये जीतना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर मैं ये जीत गया तो ये पूरा का पूरा लॉस सैंटोस मेरा होने वाला है और हारने का तो कोई चांस नहीं, क्योंकि अगर मैं गलती से भी हारा तो मुझे ये लोग लॉस सैंटोस से बाहर निकाल देंगे और फिर मैं कहां जाऊंगा मुझे नहीं पता। इसलिए मैं ये चैलेंज नहीं हार सकता, मुझे कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से लेके चलते हैं, सारे के सारे पंखों से बचते अभी हम यहां पर आ चुके हैं। और गाइस ये सामने क्या है, और इन सबको हमने उड़ा दिया है। अभी यहां से हमें अपना मस्त सा जंप करना पड़ेगा, फटाफट से जंप करते हैं। मुझे लग रहा है ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि यार मैं बाइक चलाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये इजी चैलेंज है। मैं आराम से पूरा का पूरा चैलेंज करने वाला हूं। उसके बीच में से हम निकलेंगे और यहां पर निकल चुके हैं। अब ये बोतल कैसे घूम रही है ये हमें नहीं मार पाएगी, और ये बच गया, ये बोतल मुझे उड़ा सकती थी, पर गाइस हम यहां पर बच चुके हैं और ये मैं कहां जा रहा हूं। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं यहां पर, मैं बहुत ही ज्यादा पास आता जा रहा हूं फिनिशिंग लाइन के। अरे ये क्या गाड़ी नहीं मुड़ रही थी, ये कैसे हो गया। अरे गाइस मैंने यहां पे देखा ही नहीं कि हमें दो रोड जा रहे थे और मैं गलती से स्लिपरी वाले रोड पर चला गया और मैं सीधा नीचे जाके गिर गया। अरे बेटा तुम तो ये चैलेंज हार गए, अब मेरी बारी आ चुकी है। तो गाइस अभी मैं यार वो स्लिपरी रोड पे गिर चुका हूँ, अब बारी है बूढ़ी आंटी की। देखते हैं ये कहाँ तक जाने वाली है। मुझे नहीं लगता ये मुझसे आगे जा सकती, क्योंकि ये बूढ़ी आंटी, इनको तो मुझे लगता है बाइक भी चलाना आती होगी। ये वाला तो बहुत ही इजी था इसलिए इसने कर लिया, पर देखना ये अभी गिर नहीं वाली होगी। बस अरे
नहीं आती। अभी मैं ये चैलेंज कंप्लीट करके दिखाती हूँ बेटा। अब ये बूढ़ी आंटी पुलिस ने बाइक को भगाते हुए जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये चैलेंज कंप्लीट कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर गाइस मुझे ये चैलेंज जीतना है तो इस आंटी को स्लिपरी वाले रोड पहुंचने से पहले नीचे गिरना पड़ेगा या कुछ तो होना पड़ेगा इनकी गाड़ी के साथ, ताकि मैं ये चैलेंज जीत सकूं, और गाइस मुझे नहीं लगता ये स्लिपरी रोड तक भी पहुंच पाएगी। अभी तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह बाइक चला रही है। अरे बेटा ये देखो मेरा स्टंट। अरे गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा पास पहुंचती जा रही है, मुझे लगता है ये बोतल इसको उड़ा देगी। अरे ये क्या, ये बोतल तो इसको मार ही नहीं पा रही। अरे बेटा तुमको लगा मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ बेटा, ये देखो। और गाइस ये क्या, सामने स्लिपरी वाला रोड आ चुका है। नहीं 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 नहीं, और ये क्या, ये तो सही वाले रोड पे चली गई। अरे गाइस ऐसे चला तो ये तो बहुत चैलेंज ही कंप्लीट कर देगी। नहीं रुक जा रुक जा रुक जा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है। और गाइस ये क्या, ये बूढ़ी आंटी ने तो चैलेंज कंप्लीट कर दिया। अरे बेटा मैंने तो बोला ही था तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं जीत गई। लड़के तुम ये चैलेंज हार चुके हो, इसका मतलब हम तुम्हें लॉस सेंटोस से बाहर निकालने वाले हैं। अरे अंकल ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं हार सकता। अरे अंकल प्लीज मुझे लॉस सेंटोस से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा? बच्चे वो सब मुझे नहीं पता, चैलेंज के पहले ही हमने तुमको बोल दिया था और तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था, इसलिए तुम्हें लॉस सेंटोस से बाहर जाना पड़ेगा। अरे अंकल प्लीज 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 ऐसा मत करो। बच्चे हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर निकलो लॉस सेंटोस से। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं लॉस सेंटोस छोड़ के नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी बच्चे एक बार पीछे देखो। यार इतनी सारी सिक्योरिटी। बाय बाय बच्चे, तुम्हारा टाइम आ चुका है लॉस सेंटोस से बाहर निकलने का, निकलो यहाँ से। मुझे बचाओ, कहाँ फेंक दिया ये मुझे, अरे कौन से पानी में आ चुका हूँ। अरे काइजर उन प्रेसिडेंट के गुंडों ने, मेरा मतलब है सिक्योरिटी वालों ने मुझे पता नहीं कहाँ फेंक दिया, ये मैं कहाँ आ चुका हूँ। तो काइजर अभी आप देख सकते हो मेरे को लॉस सेंटोस से बाहर निकाल दिया है, इस नदी के उस साइड पूरा का पूरा लॉस सेंटोस है और मुझे लॉस सेंटोस से बाहर निकाल दिया है। मैं आ चुका हूँ इस एरिया में जहाँ पे सिर्फ पहाड़ है और गांव है, पता नहीं क्या क्या। मेरे सारे कपड़े भी ले लिए, बस मुझे ये चड्डी दे दी है, मुझे चड्डी में घूमना पड़ेगा। मुझे लगा था मैं वो चैलेंज आराम से जीत जाऊंगा, पर गाइजर मैं वो चैलेंज हार गया और मुझे लॉस सेंटोस से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मैं इधर कैसे रहूंगा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। बच्चे मैं बोल रहा हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर तुम्हें लॉस सेंटोस में वापस आना है तो तुम्हें मुझे $500 मिलियन देने पड़ेंगे। अगर तुम मुझे 500 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हें लॉस सेंटोस में वापस आने दूंगा। तो काइजर अभी मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट का फोन आया था, उन्होंने बोला अगर मैं उनको $500 मिलियन लाके दूंगा तो वो मुझे लॉस सेंटोस में फिर से आने देंगे। और काइजर मेरे जितने बैंक अकाउंट थे वो सारे के सारे फ्रीज कर दिए, मेरे पास जितना पैसा सबका सब ले लिया है उन्होंने, मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास एक भी डॉलर नहीं है और मुझे चाहिए $500 मिलियन अगर मुझे लॉस सेंटोस में वापस जाना है। तो काइजर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं वापस से लॉस सेंटोस में जा सकूं। मुझे लगता है मुझे फार्मिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम गांव में आ चुके हैं तो यहाँ पे फार्मिंग करके हम पैसा कमा सकते हैं। तो काइजर अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एक फार्मर की जॉब लेने इन अंकल से। अंकल अंकल मुझे एक फार्मर बनना है। क्यों नहीं बच्चे, मैं तुम्हें फार्मर बनाऊंगा। इस पूरे खेत पर तुमको ये ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, अगर तुमने अच्छी तरह ट्रैक्टर चलाया तो मैं तुम्हें फार्मर बनाऊंगा और बहुत सारा पैसा दूंगा। ओके अंकल आप टेंशन मत लो, मैं बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर चलाता हूँ। अरे बच्चे रुक जाओ रुक जाओ। अरे अंकल क्या हो गया? बच्चे शुरू में तुम बड़ा ट्रैक्टर नहीं चला सकते, पहले तुम्हें छोटे से शुरुआत करनी है। अगर तुम्हें ढंग से चलाना आ गया तो मैं तुम्हें बड़ा ट्रैक्टर दूंगा। अरे अंकल मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है, टेंशन मत लो। बच्चे बुरा ना छोटा वाला ट्रैक्टर चला चला। अरे ठीक ठीक अंकल चलाऊ, मैं छोटा ट्रैक्टर चला लेता हूँ। तो गाइस अभी हम करने वाले ये फार्मर की जॉब चलाने वाले ये खतरनाक सा छोटा सा ट्रैक्टर, चलो फटाफट से इसको चलाते हैं। और गाइस हमें इस ट्रैक्टर को पूरे के पूरे खेत में बिल्कुल ढंग से चलाना पड़ेगा, और अगर हमने चला लिया तो हमें फार्मर की जॉब मिल जाएगी। चलो चलो फटाफट से चलते हैं, पूरे खेत को बिल्कुल ढंग से हम ठीक कर देंगे इस ट्रैक्टर से। फटाफट से कमेंट करके बता दो कि मैं अच्छी तरह ट्रैक्टर चला रहा हूँ कि नहीं। फटाफट से बताओ अंकल अच्छी तरह चला रहे हो ना? हाँ बच्चे अच्छी तरह चला रहे हो, और चलते चलो चलते चलो चलो गाइस फटाफट।
से पूरे के पूरे खेत को अपन जोत देते और गाइजर इसको पूरा का पूरा बढ़िया सा खेत बना देते, क्योंकि गाइजर हमें बनना है फार्मर। इस खेत को कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता है मुझे बहुत सारा पैसा देने वाले अंकल। ऐसे ही मैं बहुत सारे खेत को ठीक करते करते बहुत सारे पैसे कमा के $500 मिलियन लेके वापस से लॉस सैंटोस जाने वाला हूँ। गाइजर अभी हमारा में पूरा का पूरा काम हो चुका अंकल, ये देखो मैंने सारा काम कर दिया। अरे बच्चे तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये लो $5। क्या $5? इतना सारा काम करने के सिर्फ $5? बच्चे ये खेत है ना कि लॉस सैंटोस का बैंक, यहाँ पे काम करने का इतना ही पैसा मिलता है। काम करना है तो करो वरना निकलो यहाँ से। अरे नहीं अंकल मुझे काम करना है, मैं काम करूंगा। अरे कैसे मैंने इतनी ज्यादा देर काम किया और मुझे सिर्फ $5 मिले, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं इधर से $500 मिलियन तो नहीं कमा सकता, पर मैं इतने पैसे जरूर कमा सकता हूँ कि मैं अपने लिए कपड़े और कुछ खतरनाक वेपन्स खरीद सकूं। क्योंकि अगर मैं बहुत सारे वेपन्स खरीद लूंगा तो मैं जल्दी से जल्दी कोई खतरनाक सी चोरी करके $500 मिलियन कमा सकता हूँ। तो गाइजर अब मैं चलाने वाला हूँ ये बड़ा वाला ट्रैक्टर, और गाइजर मुझे कम से कम $5,000-6,000 चाहिए जिससे मैं बहुत सारे वेपन्स खरीद सकूँ। तो फटाफट से फार्मिंग शुरू करते और गाइजर सारे के सारे खेत को जोतने वाले ताकि हम $5,000-6,000 कमा सके, उससे हम ले पाएंगे बहुत सारे वेपन्स और फिर हम कर पाएंगे एक बड़ी सी रॉबरी जिसमें हमें मिलेंगे $500 मिलियन। तो फटाफट से सारे के सारे खेत को ठीक कर देते हैं। उसके बाद मैंने सुबह शाम दिन रात मेहनत करता रहा, चाहे धूप हो चाहे छाव हो चाहे बारिश हो चाहे भवंडर आए चाहे ठंडर आए, मैं नहीं रुका। बर्फ गिरी पर मैं नहीं रुका। मैंने सोच लिया था कि मैं पैसे कमा के रहूंगा, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी करनी है, उसके लिए मुझे फार्मिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पूरे के पूरे दिन रात एक कर दिए और फिर वो दिन आया। तो कैसे अब ये पूरी की पूरी खेती यहाँ पर करते जा रहे। एक सेकेंड ये क्या था, यहाँ पर कुछ आवाज आ रही है। एक सेकेंड लगता है जमीन में कुछ है, मुझे देखना पड़ेगा। अरे इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पे कुछ तो यार बता लोहे जैसा मुझे लग रहा है। रुक जा मुझे यहाँ पे ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। तो गाइजर मुझे इस जमीन में कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है, जब भी मेरा ट्रैक्टर यहाँ से जा रहा है तो कुछ लोहे जैसा इधर अड़ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा इस जमीन के अंदर क्या है। तो फटाफट से यहाँ पे ड्रिलिंग करते फिर हमें पता चलेगा इधर क्या है। चलो फटाफट से ड्रिलिंग करते। तो गाइजर अभी आप देख सकते हो ड्रिलिंग करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बाहर निकल रहा है, ये क्या चीज है मुझे समझ नहीं रहा। ये थोड़ा सा गोल्ड जैसी मुझे कुछ लग रहा है, मतलब गोल्डन कलर की है, क्या ये सही में गोल्ड है। रुक जाओ मुझे और ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, पर कैसे मुझे ड्रिलिंग करके इसे निकालना पड़ेगा, क्या ये सही में गोल्ड है। अगर ये गोल्ड हुआ तो मेरी किस्मत तो चमकने वाली है। और कैसे अभी आप देख सकते हो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, और कैसे ये तो सही में गोल्ड है। इस जमीन में मैं जितने दिनों से खेती कर रहा हूँ इस जमीन के अंदर तो गोल्ड निकल चुका है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। रुक जाओ मुझे और ड्रिलिंग करनी चाहिए, मुझे लगता है और भी मुझे गोल्ड मिल सकता है। तो गाइस अभी मैं पूरे के पूरे खेत में जहाँ पर भी मुझे लोहा फील होने वाला है वहाँ पर मैं ड्रिलिंग करने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पर मुझे लोहा फील आ रहा है, मुझे ये मार्क याद रखना पड़ेगा, और भी देखते हैं कहाँ कहाँ पर मुझे लोहा जैसा फील हो रहा है वहाँ पर मैं करूंगा ड्रिलिंग, फिर देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। चलो गाइस फटाफट से पूरे खेत में घुमाते हैं, और यहाँ पर भी मुझे लोहा फील हुआ वहाँ पर भी हमने मार्क लगा दिया है। चलो गाइस पूरे के पूरे खेत में देखते हैं जहाँ जहाँ पर लोहा होगा मैं वहाँ वहाँ से गोल्ड निकालने वाला, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइजर अभी रात हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और गाइजर मैंने इतने सारा गोल्ड ढूंढ लिया, देख सकते हो ये एक ये दो ये तीन चार पाँच छह पूरा का पूरा खेत यहाँ पर गोल्ड से भर चुका है। ये देख सकते हो हर जगह सिर्फ गोल्ड ही मुझे इतना सारा गोल्ड मुझे इस खेत में से मिला, मैंने कभी सोचा नहीं इतना सारा गोल्ड मिलेगा। और गाइजर सबसे बड़ी चीज ये सारा गोल्ड तो मुझे मिला ही था, साथ में ये बड़ा सा डायमंड मुझे मिल चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा बड़ा डायमंड है जो कि मुझे मिल चुका है। तो ये खेत तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लकी निकला, हर जगह गोल्ड और ये बड़ा सा डायमंड, पूरा का पूरा खेत यार गोल्ड से भरा हुआ है। तो गाइस जो ओनर था उसको ये सब पता नहीं है, वो यहाँ से अभी जा चुका है, और अभी रात भी हो रही है, तो सुबह होने से पहले मैं सारा का सारा गोल्ड लेके यहाँ से निकलने वाला हूँ ताकि उस ओनर को कुछ पता नहीं चले और ये सारा सारा गोल्ड लेके यहाँ से गायब हो जाए। चलो गाइस फटाफट से
ट्रक वालों को फोन लगाते हैं, मैं सारा सारा गोल्ड भर के यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो गाइज़ हमारा पूरा का पूरा ट्रक भर चुका है पूरे के पूरे गोल्ड से और अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। तो गाइज़ मैं आपको बता नहीं सकता, ये ट्रक पूरा का पूरा कम्प्लीटली भर चुका है, मतलब बाहर तक भर चुका है, इसमें एक गोल्ड डालने की भी जगह नहीं है। और गाइज़ हम इनको लेके यहाँ से निकलने वाले, उससे पहले कि वो खेत का ओनर उठे हम इधर से निकलने वाले। पर गाइज़ अभी भी मैं लॉस सैंटोस में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास 500 मिलियन डॉलर्स नहीं है और ये गोल्ड होगा कम से कम 50-60 मिलियन डॉलर, मैक्स टू मैक्स ये 100 मिलियन डॉलर्स का होगा। पर अगर हमें लॉस सैंटोस में वापस जाना है तो हमें 500 मिलियन डॉलर्स चाहिए। तो गाइज़ मैं ये सारे पैसों को यूज करने वाला हूँ खतरनाक वेपन्स खरीदने के लिए और थोड़े से कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे क्योंकि गाइज़ अभी भी मैं यार एक चड्डी में घूम रहा हूँ। तो फटाफट से बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं, उसके बाद हम करने वाले एक बहुत ही बड़ी रॉबरी जिसमें हम कमाने वाले 500 मिलियन डॉलर्स, फिर हम जाएंगे वापस से लॉस सैंटोस में। चलो गाइज़ फटाफट से चलते हैं। तो गाइज़ हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके अपनी खतरनाक सी चोरी करने के लिए और गाइज़ हम चोरी करने वाले इस खतरनाक से वेयर हाउस में। और आप सोच रहे हो कि इस वेयर हाउस में ऐसा क्या खतरनाक होने वाला है कि हमें 500 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे। तो गाइज़ इस वेयर हाउस में होते हैं बहुत सारे खतरनाक ड्रग्स जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, तो हमें उन सबको चुराना पड़ेगा, फिर उसको बेच के हम कमा सकते हैं 500 मिलियन डॉलर्स। तो गाइज़ फटाफट से तैयार हो जाओ, अभी हम इस खतरनाक से वेयर हाउस में चोरी करने वाले हैं। और गाइज़ मैंने सारे के सारे वेपन्स भी अपने ले लिए, फटाफट से अंदर घुसते हैं और इन सारे बाइकर गैंग वालों को मारते हैं। तो गाइज़ ये बाइकर गैंग वालों का अड्डा है और हमें इन सबको मारना पड़ेगा। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पर छुप चुके, चलो फटाफट से यहाँ पे खड़े होते हैं और इन सबको मारते हैं। ये लो इन सबको मारना पड़ेगा। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी बाइक्स खड़ी क्योंकि बाइकर गैंग का अड्डा है। ये सारे लोग लॉस सैंटोस में बाइक्स लेके घूमते हैं, जिनको भी सबको मैंने मार दिया है। फटाफट से अंदर चलते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग खड़े, ये लो। तो गाइज़ फटाफट से इन सबको मारते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सबके से प्रोटेक्शन कर रहे थे और इन सबको हमें मारना पड़ेगा और इन सबको हमने मार दिया। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये सारी चीजें जो कि हमें चुरानी है, तो फटाफट से अपने बैग में डालना शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महंगा होने वाला है। अभी आप देख सो 2 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर, 4 लाख डॉलर, 5 लाख डॉलर, कितनी ज्यादा जल्दी जल्दी हमारा प्राइस बढ़ता जा रहा है। 8 लाख डॉलर, 9 लाख डॉलर और ये 1 मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं और अभी तो हमने सिर्फ 2% लूटा होगा। तो फटाफट से ये सारा का सारा बैग लूट लेते हैं क्योंकि गाइज़ ये सही में बहुत ही ज्यादा महंगा होने वाला है और इनको बेचने के बाद हम लॉस सैंटोस में वापस आ पाएंगे क्योंकि हम उस प्रेसिडेंट को 500 मिलियन डॉलर्स दे पाएंगे। चलो गाइज़ फटाफट से सब का सब लूट लेते और अभी मेरे पास हो चुके 3 मिलियन डॉलर्स। पर ये तो कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर और भी बहुत ही खतरनाक चीजें हैं जिन सबको हम लूटने वाले। तो फटाफट से सारा का सारा मैथ लूटते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। चलो चलो जल्दी लूट लो। तो गाइज़ हमने सबका सब लूट लिया है, बस ये आखिरी बचा है। चलो फटाफट से इसको भी डालते हैं अपने बैग में। और गाइज़ अब यार बहुत सारा पैसा हो चुका है, मैं वेट नहीं कर सकता इन सबको बेचने का, फिर मैं देखूंगा कितने सारे पैसे हमें मिलने वाले। चलो फटाफट से इसको भी डाल लेते हैं और गाइज़ डन, हमारा सारा का सारा काम हो चुका है, हमने सबका सब लूट लिया है। और गाइज़ अब बारी यहाँ पे बॉम्ब प्लांट करने की, चलो फटाफट से यहाँ पे बॉम्ब प्लांट कर देते हैं और इस बिल्डिंग से निकल लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा किसने यहाँ पर चोरी करिए। चलो बाहर चलते हैं। तो गाइज़ अभी हम वहां से निकल चुके, बॉम्ब हमने प्लांट कर दिया है, वो थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाएगा और वो बॉम्ब हमने इसलिए प्लांट किया था किसी को पता नहीं चले वहां पे जितने कैमरास थे सबके सब ब्लास्ट हो जाएंगे। चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और अपने सारे के सारे सामान को बेच देते हैं, फिर हमें देखते हैं कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो गाइज़ वो सारा का सारा सामान बेचने के बाद हमारी पेमेंट आ चुकी है और अभी आपको दिखाता हूँ हमें कितने पैसे मिले वो सबके सब बेचने के लिए। हम जाएंगे अपने बैंक में, कहा है मेरा बैग, ये बैग खुला और गाइज़ अभी आप देख सकते हो हमारे पास आ चुके 2 बिलियन डॉलर्स। हमें चाहिए थे 500 मिलियन डॉलर्स लॉस सैंटोस में जाने के लिए और अभी हमारे पास 2 बिलियन डॉलर्स आ चुके हैं, मतलब 500 मिलियन 4 बार। तो गाइज़ ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चलो फटाफट से चलते हैं, मैं जाने वाला हूं वापस से लॉस सैंटोस। प्रेसिडेंट सर को हमें सिर्फ 500 मिलियन देने थे पर अब मैं उनको देने वाला हूं पूरे के पूरे 500 मिलियन ही दूंगा,
बाकी के 1500 मिलियन हम खुद खर्च करेंगे। तो गाइज़ बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, चलो फटाफट से चलते हैं वापस से लॉस सैंटोस। लॉस सैंटोस आ रहा हूं मैं। तो गाइज़ हम आ चुके वापस से प्रेसिडेंट के घर पे और गाइज़ हम इनको देने वाले 500 मिलियन डॉलर्स। और प्रेसिडेंट क्या हाल है? एक सेकेंड, तुम लॉस सैंटोस में कैसे आ गए? मैंने मना किया था ना 500 मिलियन के बिना लॉस सैंटोस में मत आना। अरे अंकल अंकल मेरी बात तो सुनो, मेरे पास 500 मिलियन डॉलर्स आ चुके हैं, वही मैं आपको देने आया हूँ। क्या 500 मिलियन आ गए इतनी जल्दी? कैसे हो सकता है ये? अरे वो सब आप टेंशन मत लो, फटाफट से आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। अभी फटाफट से इनको ट्रांसफर कर देते 500 मिलियन डॉलर्स। ये 500000। अरे ये क्या, तुमने तो सही में 500 मिलियन कर दिए। लॉस सैंटोस में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू अंकल। और एक सेकंड, मुझे आपको थोड़े और पैसे भेजने थे, इनको फटाफट से ट्रांसफर कर देते। ये क्या 500 मिलियन और क्यों? 500 मिलियन और इसलिए, 100 मिलियन तो आपकी बीवी को थप्पड़ मारने के, क्योंकि इसने मुझे चैलेंज में हराया था और मुझे आपकी ये बढ़िया सी लिमोजी मस्त लग रही थी, इसलिए बाकी के 400 मिलियन सारी की सारी गाड़ियां मेरे घर पे भिजवा देना। अरे हाँ, मैं भिजवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम वापस से लॉस सैंटोस में आ चुके। 500 मिलियन डॉलर मैंने खर्च किए लॉस सैंटोस में वापस आने के लिए और 500 मिलियन और खर्च किए प्रेसिडेंट की सारी गाड़ियां लेने के लिए। तो गाइस सारी की सारी प्रेसिडेंट की गाड़ियां हमारी हो चुकी है और गाइस अभी भी हमारे पास 1 बिलियन डॉलर्स और बचे, मतलब 1000 मिलियन डॉलर्स और उन 1000 मिलियन डॉलर्स से हम खरीदने वाले अपने लिए नया नया घर। चलो फटाफट से अपने लिए नया नया घर खरीदते, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है 1000 मिलियन 1 बिलियन डॉलर्स का नया नया घर। तो गाइस क्या आप तैयार हो हमारा 1 बिलियन डॉलर्स का घर देखने के लिए? क्योंकि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। और हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर पहले से मुझे बहुत सारे सिक्योरिटी वाले दिख रहे हैं, अभी अपनी रोल्स रॉयस में आ चुके। फटाफट से इसको यहाँ पर रखते हैं और आपका स्वागत है हमारे 1 बिलियन डॉलर वाले घर में। तो देखते हैं सबसे पहले गैराज में हमें क्या मिलने वाला है। और गाइस आप देख सकते हो खुलते ही यहाँ पे तीन लैम्बोर्गिनी खड़ी है, यहाँ पर फरारी और ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, पर बहुत ही खतरनाक से सुपर कार लग रही है ये, मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। और गाइस आपने सोचा कि एक 1 बिलियन डॉलर वाले घर में सिर्फ एक गैराज मिलेगा, तो नहीं, हमारे पास दो गैराज है और इसमें देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें। और खुल जा सिम, और यहाँ पर भी खतरनाक सुपर कार्स खड़ी है, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते, तो फटाफट से पूरे घर का हम टूर करने वाले, सबसे अंदर घुसते ही फाउंटेन, चलो अंदर चलते हैं। और गाइस आप देख सकते हो घर कितना ज्यादा बड़ा है, मुझे तो बहुत ही खतरनाक लगा। सबसे पहले ये एंट्रेंस है गैराज से यहाँ पर आने की, सबसे पहले हम रूम में जाएंगे। और ये क्या, क्या आपने कभी किसी घर के अंदर बॉलिंग रूम देखा है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। और यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जिम बना हुआ है, बाहर मुझे बड़ा सा गार्डन दिख रहा है, वहां पर भी चलेंगे, पर ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये अपना प्राइवेट बार भी बना हुआ है, ऊपर देखो मस्त मस्त लाइटें भी निकल रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और देखते यहाँ पर क्या है, ये हमारा बड़ा सा प्यारा सा किचन, ये भी बहुत ही मस्त। और यहाँ पे मस्त सा सोफा लगा हुआ है, यहाँ बैठ के मस्त मजे कर सकते हो। और यहाँ पे खतरनाक सा पियानो, और ये डाइनिंग टेबल तो बहुत ही मस्त है, यहाँ पे पूल टेबल भी है, ये तो सही में बहुत ही खतरनाक है। बाहर हम चलेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे भी देख लिया जाए, यहाँ पर क्या है, एक और पूल टेबल, एक ही फ्लोर में दो पूल टेबल, और ये एक और गैराज में जाने का दूसरा रास्ता, यहाँ पे एक और रूम है, और इधर क्या है, प्राइवेट थिएटर, वहां पे बॉलिंग रूम था, और यहाँ पे खुद का प्राइवेट थिएटर है, कितना ज्यादा खतरनाक है। ऊपर आप देख सकते हो स्टार्स स्टार्स स्टार्स, हर जगह स्टार्स लगे हुए, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और देखते हैं हमारे घर में क्या क्या है, इस वाले रूम में जाके देखेंगे। और ये बाथरूम है जहाँ पे खतरनाक सा बाथटब है, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा है, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और मुझे यहाँ पर भी एक रूम दिखाई दे रहा है। और गाइस ये क्या, ये तो हमारा खुद का प्राइवेट कैसीनो है, आप देख सकते हैं कैसीनो वाले सारे के सारे गेम्स लगे हुए, जहाँ पर हम सारे के सारे गेम्स खेल सकते हैं और बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं। पर गाइस पैसे की क्या जरूरत है जब हमारे पास 1 बिलियन डॉलर्स है, ये बहुत ही खतरनाक है। और देखते हैं हमारे इस फ्लोर में क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो गाइस इस घर में एक और फ्लोर है, पर आप देख सकते हैं पहले वाले फ्लोर में कितनी सारी चीजें। अब थोड़ा सा बाहर चल के देख लेते हैं। बाहर घुसते ही हमको सबसे पहले ये बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, ये स्विमिंग पूल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये कितना ज्यादा बड़ा गार्डन भी यहाँ पे, और हमारा प्राइवेट हेलीकॉप्टर रखने का एरिया है, मुझे एक हेलीकॉप्टर खरीदना बाकी। मैं सोच रहा हूँ एक गोल्डन और एक डायमंड हेलीकॉप्टर खरीदने का, आपको क्या लगता है मुझे खरीदना चाहिए? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। कुल मिलाकर ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया आउटडोर एरिया है, चलो वापस से अंदर चलते और अब हम जाने वाले ऊपर वाले फ्लोर पे, देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे हमें क्या क्या मिलने वाला है। चलो 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 फटाफट से चलते ऊपर वाले फ्लोर।
करूंगा, पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर रूम दिख रहा है जो है एक बेडरूम। तो गाइस आप देख सकते हो बेडरूम कितना ज्यादा बड़ा है और इसकी बालकनी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे अपना खुद का कंप्यूटर लगा हुआ और बालकनी सही में बहुत ही मस्त है। सामने पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के समुंदर का व्यू आता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो वापस से अंदर चलते हैं। यहाँ पे सारे सारे कपड़े, बुक्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पड़ी है। यहाँ पे लगता है बाथरूम होगा और एक खतरनाक सा बाथरूम। हर बाथरूम में हमारा एक बाथटब है जो कि बहुत ही खतरनाक है। यार $1 बिलियन का घर है, हर रूम में बाथटब तो बनता ही है। और ये एक और खतरनाक सा बेडरूम। इधर यार बालकनी तो नहीं है पर यहाँ पे मस्त बाथरूम है और ये बेडरूम भी बहुत ही खतरनाक है। तो कैसे मुझे यार सबसे खतरनाक बेडरूम ढूंढना पड़ेगा, उस बेडरूम में मैं रहूंगा। चलो फटाफट ये हमारा खत्म हो चुका, अब चलते हैं उस वाले फ्लोर के साइड। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से बेडरूम है, क्या यहाँ पर और भी अच्छा बेडरूम मिलेगा जिसमें मैं रह सकता हूँ। वैसे तो ये पूरा घर मेरा ही है तो मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ। और ये भी यार सेम ही बेडरूम है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। चलो यहाँ से फटाफट चलते सामने वाले बेडरूम में। ओ भाई साहब, यहाँ पे अंदर घुसते ही बड़ी सी टीवी है और ये वाला बेडरूम मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। और ये बड़ी सी बालकनी भी यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। और हमारा खुद का टेलीस्कोप भी है जहाँ से हम देख सकते हैं चांद और तारे। अभी दिन हो रहा है तो कुछ चांद तारे नहीं दिखने वाले, थोड़ा स्विमिंग पूल को देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक है जो की। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ तो हमारा घर आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा, ये घर तो बहुत खतरनाक है। सामने जो इसका व्यू है वो और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यार पूरा का पूरा समुंदर इधर से दिखता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस पूरा का पूरा घर हमने देख लिया, अब बारी गाड़ियों की। गाइस ये गाड़ी बहुत ही खतरनाक लग रही है, लैम्बोर्गिनी सही में बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। इसको हम लेके जाने वाले थोड़ी सी ड्राइव पे। और गाइस और कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है, आप देख सकते हो इसका इंटीरियर भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना हमारा घर आपको कैसा लगा और ये हमारी खतरनाक सी गाड़ी आपको कैसी लगी। अभी भी मेरे पास यार 200-300 मिलियन डॉलर्स और भी बचे, तो आप फटाफट से कमेंट करके बताओ उनका हम क्या करें। तो गाइस आज ही बड़े से भी बताइए, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चाहे तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं सही वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।